Good morning and welcome to my channel Unite for Knowledge. Our today's topic is pollen pistil interaction. So we were studying about the reproduction in plants. Now we are going to study about pollen pistil interaction. क्या मतलब है हम क्यों पढ़ रहे हैं pollen pistil interaction? सबसे पहले तो ये बात आ गई यहाँ पर. क्वेश्चन है कि हमें ये पढ़ना क्यों है. ठीक है, अब मान लो ये स्टिग्मा है. सही है, स्टिग्मा स्टाइल ऑफ अ प्लांट, कोई भी प्लांट हो सकता है. ठीक है, मान लेते हैं हम एक एक्स प्लांट है. ठीक है, कोई भी स्पीशीज हो सकती है, एक्स प्लांट है. अब इस पर जो है पॉलन ग्रेन आकर लैंड करेंगे. अब देखो इसमें ये तो नहीं बताया है कि भाई कौन सा पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करेगा. हवा में से, वाटर में से, या इंसेक्ट पर से, जो भी हमारा सोर्स है पॉलन ग्रेन का, कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर लैंड कर सकता है. ठीक है, स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म ना. स्टिग्मा पर कोई भी पॉलन ग्रेन लैंड कर सकता है, किसी भी स्पीशीज का लैंड कर सकता है, ए बी सी डी. ठीक है, किसी भी स्पीशीज का हो सकता है और एक्स का भी हो सकता है. ठीक है, इसका तो आएगा ही, हमें पता है, और बाकी भी तो आ सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइंस, यहाँ पर दो अलग स्पीशीज का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. तो क्या होगा, यहाँ पर स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा विल सिक्रीट सम केमिकल्स, जिसका कुछ रिएक्शन होगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा. एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर. इस केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा कंपैटिबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन. ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाने के कंपैटिबल है या नहीं है, इसको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करने के कंपैटिबल है या नहीं है. तो क्या होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगी, कुछ प्रोडक्ट बनेगा. अगर वो प्रोडक्ट सही है अकॉर्डिंग टू द स्टिग्मा, तो वो अलाउ कर देगा पॉलन ट्यूब बनने के लिए, पॉलन ग्रेन को अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब बनने के लिए. तो यहाँ पर जो कंपैटिबल होगा, जो इसी स्पीशीज से बिलोंग करेगा, उसी का पॉलन ट्यूब आगे बनेगा. यहाँ पर पॉलन ट्यूब बना, इट विल ग्रो फर्दर. पॉलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगा, यहाँ पर वो अपने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता हुआ चलता है. क्यों, क्योंकि स्टाइल जो है वो पूरा सॉलिड है, वो खाली नहीं है अंदर से. हो सकता है खाली भी हो, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा, लेकिन मोस्टली इट इज़ सॉलिड स्ट्रक्चर. तो इसको डाइजेस्ट करते हुए, अपनी जगह बनाते हुए पॉलन ट्यूब को अंदर जाना है. तो ये यहाँ पर केमिकल्स रिलीज करेगा, जहाँ पर डाइजेशन हो जाएगी इसकी, यहाँ पर से ये सेल्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, खाली जगह बन जाएगी, तो ये आगे की तरफ ग्रो कर जाएगा. सेम हेयर, यहाँ पर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा. इस तरीके से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, एम्ब्रियो सैक तक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक यहाँ पर हम बना लेते हैं. मैंने ओवरी बनाई, ओवरी के बाद ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होती है, तो मैं इसको पूरा ही एम्ब्रियो सैक बना देती हूँ, ढंग से दिख जाएगा. एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपरेटस, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, राइट. यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगी, फिलीफॉर्म अपरेटस विल गाइड इट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. यहाँ इसने गाइड कर दिया. द मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स. दो मेल गैमीट्स सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे. उसके बाद एक मेल गैमीट जाएगा एग सेल को फ्यूज करेगा, एक मेल गैमीट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा. तो व्हाट विल हैपन, वन मेल गैमीट विल गो एंड फ्यूज एग सेल एंड विल फॉर्म जाइगोट, राइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी. द अदर मेल गैमीट विल गो एंड फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई एंड विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. व्हाई, मेल गैमीट इज हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट इज हैप्लॉइड, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड डिप्लॉइड, राइट. मेल गैमीट इज हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई इज डिप्लॉइड. सो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म 3N. सो हेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ 3 न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस टेक्स प्लेस
So it is known as triple fusion. These both the processes takes place simultaneously. So this is collectively known as double fertilization. ये प्रोसेस हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे हमारा जाइगोट बन गया. जाइगोट आगे क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म फर्दर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल फॉर्म सीड, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.